जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, आज का अपना टॉपिक है माध्यम और परिधियों की प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करना। थ्योरी को कंप्लीट कर लिए हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें 185 से ज़्यादा प्रश्न हैं, उन सभी को सॉल्व करेंगे। एक ही दिन में सॉल्व नहीं होंगे, देखते हैं आज जितना सॉल्व हो जाता है उसके बाद फिर आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे अगले दिन। मित्रों, टेलीग्राम पे एक नया पीडीएफ अपलोड हो चुका है, जिन मित्रों को पीडीएफ पढ़ने की आवश्यकता हो वो जाके वहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अध्याय दो का पीडीएफ है, अपलोड हो चुका है। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक चैनल पे 100 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं आगे वीडियो अपलोड नहीं होगा। वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आप कैसे करते हैं 100 सब्सक्राइबर? लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर वीडियो की आवश्यकता होगी आपको, भविष्य में आपको वीडियो मिले, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके घर में जितने भी फ़ोन हो सभी पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमको सब्सक्राइबर चाहिए, आपको मटेरियल चाहिए, इसी को विनिमय कहते हैं। चलिए माध्यम प्रविधियों में हम लोग देखते हैं। माध्यम प्रविधियों का अर्थ होता है, माध्यम का अर्थ होता है साधन, कोई द्रव पदार्थ जब चित्रकारी में प्रयोग किया जाता है। प्रविधियों का अर्थ होता है कोई विधि, कोई टेक्निक जिसके माध्यम से चित्रकारी की जाती है। इसके दो प्रकार, माध्यम के दो प्रकार हैं, एक शुष्क होता है एक आद्र। शुष्क के माध्यम में किसी प्रकार का द्रव उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि आद्र माध्यम में किसी प्रकार के द्रव जैसे कि तेल, पानी या दूध इत्यादि की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, शुष्क माध्यम भी दो प्रकार का होता है, एक होता है चूर्णित, दूसरा होता है पेस्टल। चूर्णित को हम लोग रंगोली से समझ सकते हैं, इसमें पूरी तरीके से पाउडर रंग प्रयोग किया जाता है, या अन्य चीज़ें जैसे चावल, गेहूं, मैदा, सूजी, घास फूस इत्यादि का उपयोग करके रंगोली बनाते हैं। पेस्टल माध्यम से हम लोग मोम की पेंसिल, आप लोग देखे होंगे, उसके माध्यम से चित्रकारी करते हैं, क्योंकि उसमें भी हम लोग तेल, पानी या दूध नहीं मिलाते हैं, इसलिए उसको भी हम लोग शुष्क माध्यम में रखते हैं। ये हो गया आपका पेस्टल रंग। आगे हम लोग देखते हैं आद्र माध्यम में, पहला माध्यम है टेम्परा। टेम्परा माध्यम में तेल और पानी दोनों की आवश्यकता पड़ती है, टेम्परा माध्यम है। लेकिन कई लोग गलती करते हैं, अपारदर्शी पेस्टल रंगों को भी टेम्परा कह देते हैं। आगे देखते हैं, टेम्परा माध्यम में हम लोग तेल और पानी दोनों को मिलाते हैं, ठीक। लेकिन अगर दूध के रेजिन का उपयोग करेंगे तो उसे पायस कहेंगे। टेम्परा की चित्रभूमि के बारे में हम लोग देखें, टेम्परा की चित्रभूमि लकड़ी पे बनाए जमाए गए प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम की परत से चित्रभूमि निर्मित की जाती है, जिसे गैसो कहते हैं। आगे ये शब्द बार बार यूज आएगा तो इसलिए दिमाग में रख लीजिएगा, गैसो किसे कहते हैं। जिन मित्रों ने पहले के वीडियो को नहीं देखा वो जाके देख लेंगे, तभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, अन्यथा ये ऊपर उड़ जाएगा। आगे देखिए, भारतीय टेम्परा 16वीं शताब्दी ईस्वी में इसका उपयोग किया जाता था, ये मुगल और राजपूत शैलियों में ज़्यादातर उपयोग किया जाता था। इसमें चित्र बनाते थे, रंग चढ़ाते थे, उसके बाद फिर इसको घोटा जाता था, फिर रंग चढ़ाते थे, फिर घोटा जाता था। ये 3-4 बार प्रक्रिया की जाती थी, तब जाके चित्र पूरी तरीके से तैयार होता था। आगे हम लोग देखेंगे, तैल चित्रण में तेल का उपयोग किया जाता था, और ये शुरुआत यूरोप से हुई और वर्तमान में तो पूरे विश्व में प्रचलित है। तेल चित्रण में सबसे प्रमुख नाम आता है भारतीयों में राजा रवि वर्मा का, आधुनिक चित्रकार थे वो। चित्रभूमि के रूप में हम काष्ठ फलक का उपयोग ज्यादातर करते हैं। कई जगह माध्यम के रूप में अलसी का तेल उपयोग किया जाता है, लेकिन लियोनार्डो द विंची ने बादाम के तेल का उपयोग किया है। जल माध्यम सभी लोग जानते होंगे, तेल मतलब कि चित्र सॉरी रंग में जल मिला देते हैं, उसे जल माध्यम कहते हैं। इसमें लिखा है चित्रण विधि। चित्रण विधि के रूप में हम लोग क्या करते हैं कि काष्ठ फलक पे या किसी भी बोर्ड पे कागज को अच्छी तरीके से चिपका देते हैं, जिससे कि चित्र ही लेना बोर्ड ही लेना और चित्र अच्छी तरीके से बन जाए। भित्ति चित्रण विधि, दीवालों पर चित्रण को भित्ति चित्रण विधि कहते हैं। प्राचीन काल से ही ये बहुत प्रचलित रहा। यूरोप में इसको फ्रेस्को कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, सूखी विधि को फ्रेस्को सेसो और गीली विधि को फ्रेस्को ब्रूनो कहते हैं। आपके सामने दूसरी विधि भी आ रही है, फ्रेस्को ब्रूनो, ठीक। राजस्थान में इसकी अपनी एक अलग शैली थी, और इसमें जो प्रमुख रंग यूज किए जाते थे वो
प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था। एक्रिलिक माध्यम में हम लोग क्या करते हैं, कैनवास की लकड़ी पर चित्रकारी की जाती है। इसमें तेल और पानी दोनों की आवश्यकता होती है। ये टेम्परा की भांति ही एक्रिलिक माध्यम से भी चित्रकारी की जाती है। आगे बातिक चित्रण, बातिक चित्रण दो प्रकार का होता है, एक कपड़े पे किया जाता है, दूसरा चमड़े पे किया जाता है। आगे है ग्राफिक माध्यम, ग्राफिक माध्यम का अर्थ होता है छपाई करना, छापा चित्रण इसे कह सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कोलाज, कोलाज का अर्थ होता है कागज के टुकड़ों को चिपकाना या अन्य प्रकार की सामग्रियों, अन्य प्रकार की चित्रकारियों को एक दूसरे में चिपका देना, चिपका के एक नया फ्रेम तैयार करना, वो कोलाज कहलाता है। थ्योरी कंप्लीट हो गई, हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, टाइल चित्रण कितने प्रकार के आधार पर किया जाता है। टाइल चित्रण कैनवास पे भी किया जाता है, काष्ठ फलक पे भी किया जाता है और बोर्ड पे भी किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या दो की ओर। एक्रिलिक रंगों से बने चित्रों पर लगाने की आवश्यकता होती है, क्या लगाने की आवश्यकता है। हमने कहा एक्रिलिक माध्यम में टेम्परा माध्यम की तरह तेल और पानी दोनों की आवश्यकता होती है। इस पे वार्निश, फेविकोल और गोंद ये सभी नहीं लगा जाते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या तीन की ओर। तीन नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन से वर्ष में पहली ग्रेफाइट पेंसिल बनी। पहली ग्रेफाइट पेंसिल 1662 ईस्वी में बनी थी। चलते हैं प्रश्न संख्या चार की ओर। चार नंबर प्रश्न पे, अच्छा यह है चार नंबर प्रश्न आपके सामने। तेल चित्रण के लिए प्रयोग होने वाला ब्रश, तेल चित्रण के लिए प्रयोग होने वाला ब्रश ब्रिसल ब्रश और सेसेबल ब्रश, ब्रिसल सेबल दोनों प्रकार के ब्रशों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या पांच कह रहा है, प्रयोग की दृष्टि से जल रंग कितने प्रकार के होते हैं। जल रंग दो प्रकार के होते हैं, एक ट्यूब में आता है और दूसरा आपका सूखे में आता है, दो प्रकार के होते हैं। देखिए लिखा है, प्रयोग की दृष्टि से जल रंग दो प्रकार होते हैं। जल रंगों को पानी में घोलकर प्रयोग किया जाता है। जल रंग से कार्य करने का प्रचलन बहुत पुराना है। आजकल जल रंग कई आकार में उपलब्ध हैं, ये चौकोर टुकड़े में, कभी कभी ट्यूब में तथा कभी शीशियों में मिलते हैं। जल रंग प्रायः पारदर्शी होते हैं। पैलेट का प्रयोग चित्रकला में किया जाता है, मूर्तिकला डिजाइन और टेक्सटाइल में नहीं किया जाता। सात नंबर प्रश्न कह रहा है, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह किसका उपयोग किया जाता है। लिंसीड ऑयल का ऑयल कलर में बाइंडिंग की तरह उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या आठ, आठ नंबर प्रश्न कह रहा है, जल रंग का मुख्य गुण क्या है। जल रंग का मुख्य गुण हम लोगों ने देखा इसके पहले के प्रश्न में, पारदर्शिता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो भी मित्र इसका मतलब कि व्याख्या पढ़ना चाहते हैं, हम पीडीएफ को अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से वो प्राप्त कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नौ की ओर। पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश दिखाते हैं, उच्च प्रकाश कागज को खाली छोड़कर दिखाते हैं। पारदर्शी माध्यम में उच्च प्रकाश को वो खाली छोड़ देते हैं, अंतराल को साफ साफ दिखाई देता है उच्च प्रकाश। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। त्रिआयामी आकार में होता है, त्रिआयामी आकार तब होगा जब उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों तत्व तो होंगे, तो मोटाई लंबाई और चौड़ाई ये तीनों होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, प्राविधिक कला कहलाती है, प्राविधिक कला निर्मेय को कहते हैं। दो चीजें होती हैं, एक प्रमेय होता है, दूसरा निर्मेय होता है। निर्मेय होता है उसे प्राविधिक कला कहते हैं, प्राविधिक का अर्थ होता है टेक्निकल। चित्र में कितने आयाम होते हैं। चित्र हम लोग जब कागज पे बनाते हैं उसमें दो आयाम होता है, लंबाई और चौड़ाई। कभी किसी ने ऊंचाई को बना के चित्र बनाया है, अगर ऊंचाई बनेगा तो वो 3D हो जाएगा और वो
मूर्तिकला या स्थापत्य कला में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, दो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 13, चारकोल स्टिक क्या है? चारकोल स्टिक जली हुई लकड़ी है, चारकोल स्टिक ब्रश नहीं है, रंग नहीं। चारकोल का अर्थ होता है कोयले से संबंधित है, ये ब्लैक जापान ये भी नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर चलेंगे। एक 14 नंबर प्रश्न, एक मिनट रुक जाइए, हम 14 नंबर प्रश्न को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न मिल नहीं रहा है, हम कल 14 नंबर को कर देंगे अपलोड। ठीक, 14 नंबर कल करा देंगे। चलिए 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, दीवार के प्लास्टर को सूख जाने के उपरांत चित्रण करने को क्या कहते हैं? हम लोगों ने देखा था फ्रेस्को सुस्को शुष्क विधि कहलाती है, जो दीवार पर चित्रण के उपरांत उसको सूख जाने पर किया जाता है। अगर गीली रहेगी, अगर गीले पर चित्रण किया जाएगा तो फ्रेस्को ब्रूनो, सूख जाने के उपरांत किया जाएगा फ्रेस्को सेस्को। सेस्को सूख जाओ, इस तरीके से याद कर सकते हैं राइमिंग, सेस्को सूखा सेस्को सूखा। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कैनवास पर आयल चित्र बनाने का सही क्रम क्या है? कैनवास पर आयल चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या सबसे पहले स्ट्रेचिंग करेंगे? हाँ, स्ट्रेचिंग सबसे पहले करेंगे। पेंटिंग से पहले हम लोग देखते हैं प्राइमिंग करते हैं, तो पेंटिंग से पहले प्राइमिंग आ जाएगा, तो यहाँ से ए गलत हो जाएगा। स्ट्रेचिंग इसमें नहीं है, फ्रेमिंग सबसे लास्ट में आता है। हाँ देखिए, स्ट्रेचिंग, प्राइमिंग, पेंटिंग और फ्रेमिंग, सबसे पहले स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद फिर उस पर प्राइमर लगाएंगे, प्राइमर लगाने के बाद पेंट करेंगे, पेंट करने के बाद जब वो सूख जाएगा पूरी तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा तब उस पर फ्रेमिंग किया जाता है। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 की ओर चल रहे हैं। 29 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, चित्रकला के लिए कौन सी सतह का प्रयोग किया जाता है? चित्रकला के लिए दीवार भी प्रयोग किया जाता है, कैनवास, ताड़पत्र, इन सभी पर चित्रकारी की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सभी। 30 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 30 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, जल रंग उपलब्ध होते हैं, जल रंग केक के रूप में, ट्यूब के रूप में, बोतल में, सभी में उपलब्ध होता है, तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है, खनिज रंग में बाइंडर प्राकृतिक क्लू के रूप में मिला होता है, अलसी के तेल में नहीं, खनिज रंग में अलसी का तेल तो होगा ही नहीं, तारपीन का तेल नहीं होगा, प्राकृतिक क्लू सही हो जाएगा। खनिज रंग जो खनिज से प्राप्त होता है उसे खनिज रंग कहते हैं। ठोस के कितने आयाम होते हैं? ठोस जो हमारे सामने दिखता है उसके 3 आयाम दिखाई देते हैं, वैसे तो इसके 6 आयाम होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, तेल चित्र में आवश्यक नहीं है, तेल चित्र में पानी की क्या आवश्यकता? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 34 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि दीवार चित्रकला मतलब भित्ति चित्र के लिए किस सतह का प्रयोग किया जाता है? ताड़पत्र का क्या हो सकता है, कैनवास कागज की क्या हो सकता है, दीवार चित्रकला में दीवार की हो सकता। प्रश्न संख्या 35 आपसे कह रहा है, तरल पदार्थ जो आयल पेंटिंग से बने चित्र में स्थिरता के लिए लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तारपीन नहीं कहते हैं, कोलो तार नहीं कहते,
इसे फिक्सेटिव कहते हैं, फिक्सेसिव, फिक्सेसिव। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, फिक्सेसिव। पूरा प्रश्न एक बार देख लीजिए, कह रहा है तरल पदार्थों में ऑयल पेंटिंग से बने चित्र में स्थिरता फिक्सेसिव, फिक्सेसिव का अर्थ होता है जो फिक्स कर दे। चलिए प्रश्न संख्या 36 की ओर चल रहे हैं, कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की विधि को क्या कहते हैं? कपड़े पर मोम लगा के रंगने की विधि को, कोलाज में तो हम लोग क्या करते हैं, चित्रों को चिपका देते हैं, कागज के चित्रों को चिपका देते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। नक्काशी नहीं कहते, नक्काशी मूर्ति कला में होती है। बंधेज भी नहीं कहते, इसे कहते हैं बाटिक। बाटिक चित्रकारी हम लोगों ने देखा था ना, कपड़े पे मोम लगा के किया जाता है। दूसरा तरीका होता है चमड़े पे किया जाता है ग्लू लगा के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, कपड़े पे मोम लगा के बाटिक विधि में चित्रकारी करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 37। नजदीकी रेखा खींचकर, नजदीकी रेखा खींचकर प्रकाश और छाया का प्रभाव उत्पन्न करता है, ढलाई नहीं कहते हैं। ढलाई तो उसको कहते हैं जब मूर्ति मूर्ति को ढालते हैं या किसी अन्य पदार्थ गीले पदार्थों को जब ढालते हैं तो उसे ढलाई कहते हैं, ये नहीं होगा। नक्काशी मूर्ति कलाम की जाती है, खुदाई नहीं की जाती, हैचिंग की जाती है। हैचिंग मतलब इस तरीके से की जाती है, उसे हैचिंग कहते हैं। अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 38। इम्पास्टो, इम्पास्टो तकनीक किससे संबंधित है? हम लोग थ्योरी में जब पढ़े थे तो थ्योरी में इम्पास्टो टेक्निक पढ़े थे, चित्रकारी में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मूर्तिकला छापा फोटो इन सब में नहीं, इम्पास्टो चित्रकला में। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, 39 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है स्केच की विशेषता क्या है? स्केच की विशेषता होती है बहुत तेजी से इस तरीके से बनाया जाता है, तीव्र प्रवाह पद्धति। तो गलत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है चित्रभूमि किस प्रकार की होती है? चित्रभूमि एक आयाम की तो होती ही नहीं, तीन आयाम की नहीं होती, बहु आयाम की कैसे हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, द्वि आयामी। बी ऑप्शन नंबर बी द्वि आयामी सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न में देखा था कि मोम का उपयोग किस में करते हैं, बाटिक चित्रण में करते हैं। बाटिक चित्रण के मतलब कपड़े पे जब बाटिक की जाती है तो मोम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, स्केचिंग है, स्केचिंग क्या है? त्वरित रेखांकन। स्केचिंग क्या है? त्वरित रेखांकन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए लिखा है स्केचिंग है त्वरित रेखांकन, पढ़ लीजिएगा इसमें अपना थ्योरी लिखा हुआ है। चलिए वासली क्या है? वासली धरातल को कहते हैं, वासली धरातल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न कर रहे हैं निम्न में से शुष्क माध्यम कौन सा है? शुष्क माध्यम हम लोगों ने देखा दो प्रकार के होते हैं, चूर्णित और पेस्टल। तो पेस्टल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 46 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है तेल चित्रण का आविष्कार किसने किया था? नाम में लिखा है आइक, तो यहीं से देख लीजिए आइक आयल, थोड़ा सा ये लिंक कर लीजिएगा याद हो जाएगा, आइक आयल, वान आइक बंधु ने किया था तेल चित्रण का आविष्कार। अंडे को माध्यम के रूप में किसमें उपयोग किया जाता है? टेम्परा माध्यम हम लोगों ने देखा था कि इस माध्यम के रूप में अंडे का छिलका, संपूर्ण अंडा या अंडे का जर्दी, इनका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, टेम्परा माध्यम। 48 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं,
कोलाज है, धरातल पर मोम या रंग लगा के गलत जवाब, चल रंगों द्वारा गलत, विभिन्न वस्तुओं को चिपका कर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इम्पेस्टो क्या है? इम्पेस्टो धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों का लगाना, अपारदर्शी रंगों का लगाना ही इम्पेस्टो कहलाता है। इम्पेस्टो का उपयोग चित्रकारी में किया जाता है। चलिए 50 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है एक कला सृजन में यांत्रिकी कौशल के क्रियान्वयन को क्या कहते हैं? एक कला सृजन में यांत्रिकी कौशल के क्रियान्वयन को तकनीक कहते हैं। जहां पे यांत्रिकी आ जाए, यांत्रिकी का संबंध तकनीक से है, ये सब फर्जी बातें लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 51, भित्ति चित्रण की तकनीक जिसमें गीले प्लास्टर, इसके पहले प्रश्न में आया था सूखा प्लास्टर, सूखा प्लास्टर सेस्को, गीले प्लास्टर को ब्रूनो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, पेस्टल, पेस्टल सब गलत है। चलिए 52 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है निम्न में से भित्ति चित्रण की कौन सी तकनीक है? भित्ति चित्रण के लिए फ्रेस्को सेस्को, फ्रेस्को बोनो, यही सब उपयोग किया जाता है, सेस्को सूखा, ब्रेस्को गीला। 53 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है जिसमें रंगों के साथ मोम को मिलाकर उपयोग किया जाता है, अगर रंगों के साथ